हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कमिश्नर सरगोधा, कमिश्नर सरगोधा, कमिश्नर सरगोधा, कमिश्नर सरगोधा, तब्दीली सरकार, तब्दीली सरकार, तब्दीली सरकार, तब्दीली सरकार। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वहीद है। जी पिछले कुछ दिनों में मैं डेड बॉडी लेके यहाँ से सरगोधा गया हूँ। सरगोधा जाते वक्त रास्ते में ट्रैफिक की वजह से मैंने गाड़ी को हुटर दिए। हुटर की वजह से मुझे नहीं पता था कि आगे कमिश्नर साहब की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है। मैंने डेड बॉडी पहुँचानी थी, मैं हुटर दे के डेड बॉडी लेके गया हूँ। वहाँ उनके डेड बॉडी उतार के मुबारक हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ हमने आराम किए, रात को हम लोग सोए, सुबह हम लोग उठे तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था। हमारे पास पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा कि भाई आपने कल गाड़ी को हुटर दी है, आगे कमिश्नर साहब की गाड़ी थी, आपको थाने जाना पड़ेगा। मुझे साथ थाने ले गए, मैं भी चला गया और साथ गाड़ी भी ले गए। थाने में गया हूँ, थाने में वहाँ उन्होंने मुझे बिठाया कि कमिश्नर साहब की कोई मीटिंग थी उस दिन। 6:30 बजे उनकी मीटिंग ख़त्म हुई है। वहाँ जो थाने में वो बैठा हुआ था, थाने का मारर बैठा हुआ था, उसने उसके ऑपरेटर को कॉल किए, कमिश्नर साहब ऑपरेटर को कॉल किए कि ये ड्राइवर और ये गाड़ी मेरे पास यहाँ पे बंद है, इनका क्या करना है। तो उन्होंने ऑपरेटर ने आगे से कहा है कि इनके ऊपर पर्चा दो। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि पर्चा दो। फिर उसने कहा है कि मैं इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं दे सकता, ये वो चक्कियाँ रोड गए, अगर किसी ने पर्चा दिया तो चक्कियाँ रोड वाले देंगे। उन्होंने कहा उनको उधर ही बैठाओ, मैं अपना बंदा भेज रहा हूँ। वहाँ उन्होंने अपना ऑडिट सेक्रेटरी भेजा है, उसने कुछ स्लिप कार्ड दिए, स्लिप का मुझे नहीं पता है उसने उसमें कोई दफा लगाया नहीं लगाया, स्लिप कार्ड दिए। वहाँ उन्होंने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया और मेरी गाड़ी बाहर थी और मैं अंदर लॉकअप में 2 दिन बंद रहा हूँ 40 घंटे। मुझे 3 दिन बिला वजह किसी वजह के मुझे बंद कर दिया गया और मैं थाने में उधर भी बंद रहा हूँ, मेरी गाड़ी भी बंद रही है 3 दिन। मुझे इस चीज़ का इंसाफ, मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ये इस चीज़ का इंसाफ होना चाहिए, हम गरीब लोग हैं, गरीब बंदे, इस चीज़ का इंसाफ। थाने वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा अखलाक किया, अखलाक से मुझे पूछे, चाय का पूछे, रोटी का पूछे और उन्होंने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी ऊपर वो अफसर है, उसने हमें कॉल की, हमने कॉल की वजह से आपको बंद रखा हुआ है। मुझे वहाँ पे बंद रखा गया है। मैं इमरान खान से ये अपील करता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मुझे इंसाफ मिलेगा, कब मिलेगा बस इंतज़ार। कमिश्नर सरगोधा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ।